हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करने जा रहा हूँ, 12, 14, 15, 16 एंड 13। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर टाइप कर ली। यहाँ पर मैं इस पर सम का जो फार्मूला है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सम का जो फार्मूला है वो अप्लाई किया। दरमियान में मैं जब कुछ नंबर टाइप कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल 15, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस नहीं होता। अगर आपके एमएस एक्सेल में भी यही मसला चल रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आपने यहाँ पर फार्मूलाज में आकर कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में क्लिक करके यहाँ पे ये मैनुअल आपने ऑटोमेटिक पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक पर क्लिक करके यहाँ पर जो है जो भी नंबर आप टाइप कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस होता जाएगा। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट शीट जो है वो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक और शीट खोल देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ, 12, 14, 15, 16 एंड 13। यहाँ पे भी मैं सम का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लूंगा। ये फार्मूला मैंने अप्लाई की। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन ऑप्शन मैनुअल भी है, अगर आप सिर्फ एक शीट का जो नंबर है उसे प्लस करना चाहते हो तो आपने कैलकुलेट शीट पर क्लिक करना है। कैलकुलेट शीट पर क्लिक करके आप जो सिर्फ एक शीट है उसका जो नंबर है वो प्लस होता जाएगा। यहाँ पर मैंने 12 टाइप कर ली, ये नंबर टाइप कर ली। तो यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट शीट पर जब क्लिक कर लूँ तो सिर्फ इस शीट का जो नंबर है वो प्लस हो जाएगा, बाकी शीटों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये शीट हुआ, इसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये नंबर भी प्लस कर लूंगा। तो ये देखिए, मैंने ये नंबर भी प्लस किया। यहाँ फार्मूलाज में आया, कैलकुलेशन ऑप्शन में ये मैन वाले। तो यहाँ पर जब मैं ये कुछ और नंबर टाइप कर लूँ, 14 मैंने टाइप किया तो इसे ये प्लस नहीं हो रहा, 15 प्लस नहीं हो रहा। जब मैं अगर सिर्फ एक शीट का जो नंबर है उसे प्लस करना चाहता हूँ तो आपने कैलकुलेशन शीट पर क्लिक करना है। कैलकुलेशन शीट पर क्लिक करके सिर्फ एक शीट का जो आप जिस पर आप काम कर रहे हो तो उस शीट का जो नंबर है वो प्लस हो जाए।